नमस्ते प्यारे मित्रों, बहुत कठिन प्रश्नों का बहुत सरल समाधान। बहुत सारे आपके प्रश्न जो अनकरेबल है, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। सारे संसार के अंदर हवा फैली हुई है कि बहरापन कोई रोग बहुत भयंकर है, कभी ठीक नहीं होता है, और इसीलिए डॉक्टर्स के पास में या ट्रेनर के पास में जाते हैं तो कहते हैं नसें सूख गई है, हड्डियां गल गई है और इस जन्म में नहीं सुनाई देगा। बेयर विद द मैटर, पर हमने जो शोध की है होम्योपैथी चिकित्सा के साथ में कान में डालने की दवाइयां और खाने की दवाइयों से बिना मशीन बिना ऑपरेशन के सुनने की क्षमताओं को बढ़ाने का काम है और शुरुआत तो उसी समय होने लगता है। आपके कुछ प्रश्न हो तो बताइए। जी सर, अपनी घर बैठे कैसे ट्रीटमेंट करवा सकते? वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि घर बैठे ट्रीटमेंट का मतलब कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो ट्रीटमेंट हम जो पेशेंट को याद देते हैं, जो डॉक्टर टीम है, वो ही आपको ऑनलाइन बातें करके घर पर कैसी दवाइयां करनी है वीडियो भेजेंगे, आपको क्वालिटी भेजेंगे, आपको फोटोग्राफ भेजेंगे, दवाइयां भेजेंगे, डॉक्टर आपको समझाएगी और क्या चाहिए। जो एक घंटे दवाई डाल के सोना है, वहां भी आपको दवाई डाल के सोना है, ठीक है। और सर, जैसे कि आप बताते हो एक घंटे में कान रेडी हो जाता है। हाँ, ये बड़ा प्रश्न लोगों को मजाक लगता है, रेडी फॉर डिपार्चर और रेडी टू रीच। रेडी टू रीच नहीं होता, रेडी टू डिपार्चर होता है। तो मतलब कि जब डिपार्चर का मतलब जब शुरुआत करते हैं कान में डालने की दवाई से खाने की और आप सुनने लगते हैं, दैट इज द रेडी। अरे, आपको अमेरिका जाना है, आप फ्लाइट में बैठे हैं तो फ्लाइट में अमेरिका नहीं पहुंच गए, पर रेडी आप लोग यही कहते हैं अमेरिका जा रहा हूं मैं। उसको ये थोड़ी कहे संसे मैं पाऊं प्लेन चली या बीच में नहीं गिरेगी तो पहुंच जाऊंगा, ऐसे कभी बात करते हैं क्या? तो वैसे भी ट्रीटमेंट में कच्ची बातें नहीं चल सकती, ठीक है। और जैसे सर ये दवाई है, वो दवाई पेशेंट को कितने टाइम में ठीक करती है? देखिए, कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि प्रथम घंटे के प्रथम चरण में भी उसको समझ में आ जाता है मुझे सुनाई दे रहा है। बहुत ज्यादा कठिन समस्या हो, टीबी हो, कैंसर हो, कुछ ऐसी बातें हो जो अनकरेबल हो, तो वो रिपीट पर रिपीट दवाई करता है, वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट होता है। या वो नहीं भी है, किसी के कान में मेल जमा हुआ है, किसी कान में फंगस है, किसी कान में लगी हुई है चोट लगी, अब चोट की दवाई तो करनी पड़ेगी ना, तभी सुनेगा, ठीक है सर। और जैसे कि जन्म का बहरापन है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? वो जैसे बड़ों का होता है वैसे छोटों का होता है। और देखिए, प्रोसेस में फर्क नहीं है, बच्चा जो है ना बहुत सेंसिटिव और छोटा होता है, उसके हिसाब से डॉक्टर माइल्ड दवाइयां बना देते हैं। रिजल्ट वही आएंगे जो 100 वर्ष के आते हैं उसके 2 वर्ष के आएंगे। हम लोग कहते हैं 2 वर्ष में करवाओ ना, एकदम जन्म के बच्चे को मत लाओ, प्लीज मत लाओ। लाओगे तो मुझे तकलीफ नहीं है, मैं दवाई डालूंगा कान में, नसें चालू हो जाएगी, पर्दे चालू हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो सकता है, पर क्यों आप लोग रिस्क लेते हो बिना मतलब की? हो सकता है बच्चा 2 वर्ष में ऐसे ही सुनने लगे। आपको मालूम है कि कई बार आपकी टेस्टिंग भी गलत हुई है, सर्जरी करने वाले, ऑपरेशन करने वाले, इम्प्लांटेशन करने वाले गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या भूल हो जाती है, इसके कारण से भी आप डर जाते हैं कि मेरा बच्चा सुनाई नहीं दे रहा। बच्चे को 2 वर्ष का तो होने दो, इशारा तो समझ दो, ताली तो सुनने दो, तब नहीं सुने तो मेरे पास ले आना, ठीक है सर। जैसे कि अभी जैसे मान लो कि टीनिटस है, तो टीनिटस का इलाज कैसे होता है? देखिए, सच बताऊं, टीनिटस एक तरह के सिग्नल्स होते हैं, कान में चालू हो जाते हैं, सीटियां बदने लगती है, सर्द गर्मी से होता है, चोट लगने से होता है, भ्रम से होता है, अचानक होता है, फंगस से होता है, तो जब दवाइयां जाती तो रिजल्ट आ जाते हैं। बहुत से लोगों को 1-2 घंटा में फर्क पड़ जाता है, दो तीन दिन में फर्क पड़ता है, किसी के मगज में चला जाता है टीनिटस तो 6-6 महीने लग जाते हैं, लंबा भी समय लगता है। तो टीनिटस को बहरेपन की तरह नहीं मान सकते आप कि सबको 1 घंटे में रेडी, ठीक है सर। और सर, जैसे कि आप हर बार बताते हो कि ट्रीटमेंट का में गारंटी रहता है, गारंटी का मतलब क्या होता है? भाई, गारंटी आजकल क्या, लोग डरे हुए हैं कि सर ऐसा तो नहीं है फेक इन्फॉर्मेशन आ रही है। आपकी गारंटी है, मेरे का बेटा प्रोसेस की भी गारंटी है, ट्रीटमेंट की भी गारंटी है और रिजल्ट की भी गारंटी। हम कोई चीज नहीं बेच रहे, हम प्रोसेस कर रहे हैं बेटा, करके देखो यार, हम कौन सी धरमाया ले रहे हैं कि 500 आपके खाते में डाले हुए हैं, पक्की रसीद दे रहे हैं, पक्का काम है, और आपको नहीं समझ में आया तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? मेरे को प्रॉब्लम तो हमारी सर्विस सेंटर है ही है। देखिए जी, संसार के अंदर ये बहुत कठिन काम को बहुत सरल बनाया, यू नो इजीएस्ट वे टू प्रोसेस। आज कितना आश्चर्य होता है लोगों को जब यहाँ आते हैं, दवाई डाला के खड़े होके कहते हैं, रिवाज साहब तो अच्छा सुनाई देता है, सर मुझे खाना सुनाई देता है, सर आपकी बात सुनाई दे रही है, और जो बिल्कुल बहरे होते हैं उनको भी सुनाई देता है। आप ऐसे तो वीडियो, 1000 वीडियो हैं, आपने यूट्यूब और गूगल पर देखे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप बिना वीडियो देखे हुए
मेरा सर्वे किए बिना, मेरे ऊपर रिव्यू निकाले बिना ट्रीटमेंट के लिए ना आए। ट्रीटमेंट करवानी है तो रिव्यू लेके आए। प्रवीण स्वर्णा के प्रणाम।